गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड का। इसमें है पिरामिड पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और ये किस तरह का पिरामिड है ये हमको क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है पेंटागोनल, यानी पेंटागोनल पिरामिड है। आपको पता है पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक ऐसा शेप होता है जिसका जो अपेक्स होता है इस टाइप से रहता है, और नीचे इसका बेस रहता है। यहाँ पे जो नीचे है जैसे इस टाइप से कोई एक शेप है, यहाँ पे इसका अपेक्स है, सब में जाके सब मिलता है। इस पर कुछ टाइप का बेस होता है, यहाँ पे जो बेस हो, जैसे पेंटागोनल हो, रेक्टेंगुलर हो। अगर पेंटागोनल है तो इसमें पांच साइड्स रहेंगे, ठीक है ना? जो भी है इस टाइप से, मतलब अभी हम बताते हैं किस टाइप से रहेगा। मतलब जो पिरामिड होता है इस टाइप से होता है, आपको पता होना चाहिए। इस सब के लिए आप जो पढ़े होंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, उसमें आपको दिया हुआ है कि कौन सा शेप कैसा होता है, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है? जब यही जो कंटिन्यूअस शेप होता है इस टाइप से, तब उसको बोलते हैं प्रिज्म। ऐसे भी मेरा पिछला प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपको देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि पेंटागोनल प्रिज्म है जिसका बेस 30 mm है। तो हम पेंटागन को तो बहुत टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। अब मानिए पेंटागन है, एक पेंटागन इस टाइप से है, पेंटागन के बीच का अच्छा एक एंगल, जैसे सबसे पहले ड्रॉ कैसे करते हैं, एंगल इंटरनल एंगल कितना होता है किसी भी शेप के अंदर का, 180 × (n-2)/n। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। पेंटागन में कितना होता है? 5। तो इसमें n इक्वल टू 5 पुट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 108 डिग्री। अगर आपको पेंटागन ड्रॉ करना है तो आराम से ऐसे रखिए, उसको 108 डिग्री यहाँ से लीजिए पर प्रोटेक्टर रख के, एक ये हुआ, फिर यहाँ से 108 लिखिए, फिर ये हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से ये रखिएगा, ये हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा, ठीक है ना? मानिए सेंटर यहाँ पे है कहीं पे, तो ये मिला, ये सबका पेंटागन ड्रॉ हो गया, ठीक है, इसी टाइप से होता है। तो इसमें सपोज कीजिए इस टाइप का पेंटागन हो सकता है, इस टाइप से भी पेंटागन हो सकता है, लेकिन किस टाइप से है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। देखते हैं किस टाइप से है। इसका बेस तो 30 mm है। बेस किसको बोलते हैं? बेस ये एज इसको बोलते हैं, 30 mm ये है, ठीक है ना, इसका एज साइड। एंड एक्सिस 60 mm। एक्सिस किसको बोलते हैं? जैसे मानिए कि ये सिलेंड्रिकल है, अगर सिलेंड्रिकल है तो ये जो बेस से लेके अपेक्स तक के जो हाइट होता है उसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, उसको बोलते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको एक्सिस बोलते हैं। जैसे ये वाला, ये वाला, तो ये है 60। इज रेस्टिंग विथ बेस ऑन HP। इसका बेस है जो कि HP पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, जैसे कि मानिए जिस पे हम चल रहे हैं। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो जो भी जब भी केस रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब रहता है तो हम उसको फ्रंट व्यू को XY लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू को XY लाइन के नीचे ड्रॉ करते हैं। तो HP में कोई अगर रखा हुआ है तो उसको हम XY लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे। वन एज ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू VP। इसका जो है, इसका वन एज यहाँ लिखा हुआ है, वन एज क्या है? परपेंडिकुलर टू VP है। ये जो वर्टिकल प्लेन है, हमारा, इसका परपेंडिकुलर है, यानी वन एज ऐसे टाइप का होगा हमेशा, तभी एक के जैसे होगा। फिर आपको 108 लीजिए, फिर यहाँ से 108 लीजिए, ऐसे आ जाएगा, फिर 108 ऐसे आएगा, फिर ऐसे, इस टाइप सा आपको पेंटागन ड्रॉ करना है, इस टाइप का पेंटागन आपको ड्रॉ करना है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। कट एंड जो इसका, उसके बाद इसको हम, ये तो ये कौन सा टॉप व्यू होगा, फिर इसके बाद ऊपर क्या होगा? फ्रंट व्यू होगा। तो इसका फ्रंट व्यू हम फिर इसका ड्रॉ करेंगे, और जो फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो जैसे मानिए कि इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे हम, तो इसको प्रोजेक्ट करेंगे, सबको प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये आ गया हमारा इसके पास फ्रंट व्यू। तो ये बोलता है इसको फ्रंट व्यू को कट बाय ए सेक्शन प्लेन, और जो सेक्शन प्लेन पास कर रहा है, इसका एक्सिस है, इसके बीचों बीच पास कर रहा है, और 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो हमारा सेक्शन प्लेन, सपोज कीजिए कि हम किसी से काट रहे हैं इसको, सपोज कीजिए कि चलिए लीजिए हमारा सेक्शन प्लेन ये है, ये ऐसे है, सेक्शन प्लेन ऐसे चलाना है, ठीक है। तो सेक्शन प्लेन ऐसे चलाना है तो डिग्री पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि अब ये यहाँ से पास कर जाए या यहाँ से पास कर जाए, जिस टाइप से पास कर जाए वो अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, विथ प्रोटेक्टर सबके साथ। ये एंगल आपको 60 डिग्री लेना है, हमारे पास ये है नहीं, लेकिन ये वाला लाइन आएगा, ठीक है ना, हम बता दे रहे हैं ये वाला लाइन आएगा, ठीक।
तो ये ड्रॉ इस कट करने के बाद हमको बोलता है कि अब इसका जो ये कट ये इसका डेवलप करने के लिए ये वाला जो पोर्शन है इसको डेवलप करने के लिए बोलता है ये वाला पोर्शन को। तो ये कैसे डेवलपमेंट होगा हम उसको वन बाई वन करके बताते हैं आपको। आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज हमको स्पेस का जरूरत पड़ेगा इसलिए हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एंगल, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था हेक्सागनल प्रिज्म का, उसमें भी हमने बताया था, और सब वीडियो के आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो सब समझ में आएगा वन बाई वन करके। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। आप सब लोगों के पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देखते रहिए, जिसे क्वेश्चन में जो बोला है उसके हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं, सबसे पहले क्या लेते हैं, हम एक एक्स वाई लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक्स वाई लाइन लेते हैं हम, टॉप व्यू कहाँ ड्रॉ होगा, बिकॉज बोला है कि हम आपको ऑलरेडी पहुँच समझा चुके हैं फिर भी दोबारा बता देते हैं। ये बोला है कि किस में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है बेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेस है, और इसका वन एज क्या है, परपेंडिकुलर टू वीपी है। वीपी ये है तो उसका परपेंडिकुलर, ये वीपी है, वन एज परपेंडिकुलर, अगर पेंटागनल बेस है तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, जब ऐसे हम एक एज रहेगा तभी तो होगा ना परपेंडिकुलर, और ये पेंटागनल रहेगा तो माने ये एज वन एज ऐसे है, ये 30 mm का है। ये सब हम नंबरिंग नहीं करेंगे, लिंक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि तो हमको पेंटागन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टर रखिएगा, 108 डिग्री ले लीजिएगा जो भी आएगा 108 के आसपास, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से 108 मानिए यहाँ आया, फिर इसके बाद 108, ठीक है, फिर इसके बाद 108 यहाँ से, ठीक है। इसके माने सेंटर यहाँ पे आएगा, ठीक। तो हम सारे सेंटर्स पॉइंट को मिला देते हैं, इसको थीन थीन को हम रेड कलर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, वो सेंटर वो था 1 2 3 4 5, इसके एज को हम नंबरिंग कर दिए। हम ये क्या बना लिए, टॉप व्यू। अब हमको क्या बनाना है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे। हम प्रोजेक्ट करते हैं विथ थीन, दे थीन होना चाहिए सारे को प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए दो और जो पांच वाला है लाइन दोनों ये सेम ही आएगा, ठीक है ना। देखिए प्रोजेक्ट के वन, अगर इसको हम फ्रंट व्यू पे लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, वन डैश के टू है। देखिए ये शेप, ये बेस ऐसे है, ये इस टाइप से बेस रहेगा यहाँ पे। तो अब अगर इसको देखिएगा तो टू वाला दिखाई देगा, लेकिन ये फाइव क्या होगा, इसके अंदर में होगा। आप इमेजिन कीजिए कि ये पेंटागन है, मेरे पास तो है नहीं कोई ऐसा शेप, नहीं तो हम बता देते। चलिए अब इसी टाइप से चलिए, ये तो सिंपल है। अगर आप देखिएगा इसको सामने से पार्ट दिखाई देगा लेकिन पीछे वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा। जो नहीं दिखाई देगा हम उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमको बताए थे दो हमको दिखाई देगा तो हम दो को दो डैश लिखेंगे, लेकिन फाइव हमको दिखाई नहीं देगा तो फाइव डैश हम लिखेंगे, ठीक है ना। वैसा ही थ्री हमको यहाँ पर दिखाई देगा लेकिन फोर हमको दिखाई नहीं देगा तो फोर डैश, सब दोनों यहीं पर दिखाई, यहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा, वो यहाँ है। अब चलिए देखिए कि अगर हम ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसको प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे ऊपर, तो हम सेंटर लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो हमको पता है वन लाइन विथ वन डॉटेड, वन लाइन विथ वन डॉट, वन लाइन विथ वन डॉट, वन लाइन वन डॉट, ठीक है। ये कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, ये 60 है, ठीक है ना। हम ये 60 है, यहाँ से ये 60 है, ठीक। अब हमको क्या करना है, अगर हम इसके स्केल रख के यहाँ से यहाँ वाला पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारे पास स्लांटेज आ जाएगा। ये क्या, ओ डैश, ये ओ का है, ओ डैश। टू का नहीं मिला है, टू और फाइव का, टू और फाइव का मिला देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू हमारे पास बन के तैयार है। हमारे पास अब इसको क्या करना है, डेवलप करना है। इसमें तो दिया हुआ है कि सेक्शन करना, एक सेक्शन प्लेन चलाना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि वनली डेवलपमेंट, हमें सेक्शन प्लेन ऐसा कुछ नहीं दिया रहता, वनली दिया रहता आपके पास जो कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पेंटागोनल जो पिरामिड है, तो वनली पेंटागोनल पिरामिड दिया रहता, उसका वन एज या वन एज जो है परपेंडिकुलर टू वीपी रहता, ये रहता एंड डेवलप दैट, बस उसका ही वनली उसको डेवलप करना है बोलता,
काटना नहीं था, इसमें सेक्शन प्लेन अगर नहीं चलाना था तो इसको क्या करते, ये बनाते टॉप व्यू, ये बनाते फ्रंट व्यू और इसी को डेवलप कर देते हम। ये पेंटागोनल है, पेंटागोनल पिरामिड है, पिरामिड को हम रेडियल लाइन मेथड से ड्रॉ करते हैं। रेडियल लाइन मेथड में हम बताए थे आपको क्या करते हैं कि हम इसी लाइन का पैरेलल एक लाइन इसी का पैरेलल खींचते हैं। फिर देखिए हमेशा हम डेवलपमेंट आपको बताए थे ट्रू शेप का करते हैं। डेवलपमेंट किसका करते हैं, ट्रू शेप का करते हैं। सबसे पहले आरब एक खोजिए कि ट्रू शेप इसमें कोई है क्या। सबसे पहले आपको खोजना होगा कि इसमें ट्रू शेप कोई है क्या, है कि नहीं है, ठीक है। तो ट्रू शेप का कैसे पहचान है, ट्रू शेप अगर देखिए हम इसको प्रॉपर डायमेंशनिंग के साथ बनाए होते तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स वाई लाइन आ गया होता खुद से ही, हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये 108 ये 54 ऐड कीजिए पूरा, इसके ये लाइन पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि अगर हमको ट्रू शेप किसका है, तो पैसा स्लांट एज देखिए, जैसे देखिए ये स्लांट एज है, ये कौन सा एज है, ये स्लांट एज है, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो स्लांट एज को देखिए, कोई ऐसा स्लांट एज है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग टॉप व्यू में उसका जो एज, उसका जो है कोई स्लांट एज टॉप व्यू में पैरेलल टू एक्स वाई लाइन है। देखिए ये वाला 0 से 1 वाला है, ये 0 से 1 या 1 से 1 ये देखिए ये पैरेलल आपको दिख रहा है। तो यानी ये जो है ये ट्रू शेप है, ये वाला क्या है, ये ट्रू शेप है, ये वाला है क्या, देखिए ये सब इनक्लाइन पे है इसलिए ये सब ट्रू शेप नहीं है। मोनली ट्रू शेप कौन सा है, ये है। तो हम डेवलपमेंट किसको करते हैं, हमेशा ट्रू शेप का करते हैं, ठीक है ना। ट्रू लेंथ का, ट्रू शेप यानी मेरे कहने का जो ट्रू लेंथ होता है, जो ट्रू लेंथ, जो एग्जैक्ट ट्रू लेंथ को हम डेवलपमेंट करते हैं। तो हम ट्रू लेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रू लेंथ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखना है हमको खाली कि कोई जो स्लांट एज है उसका, वो जो स्लांट एज है उसका टॉप व्यू में, इस स्लांट एज का टॉप व्यू में कौन है, ये वाला लाइन है। या किसी भी अगर ये वाला स्लांट एज है इसका टॉप व्यू में कौन सा लाइन है, ये लाइन है। इसका कौन सा है, ये है, ये है। तो उसमें देखना है कि टॉप व्यू में ऐसा कोई लाइन है क्या उसका जो कि पैरेलल टू एक्स वाई लाइन है। तो हाँ, इसमें हमको सिर्फ ये दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है, यानी ये इसका ट्रू शेप है, ये ट्रू लेंथ है ये। तो ट्रू लेंथ को ही हम डेवलप करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हमारा कोई नहीं रहता इसमें, तो हम क्या करते, अगर कोई नहीं रहता तो हम इसको पहले ट्रू लेंथ में बदलते हैं। जैसे मानिए कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया, चलिए इसके लिए उसको क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे इसलिए अभी नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन हम ऐसे ही आपको कन्वर्ट करने का तरीका बता देते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगर ये है तो हम सबसे पहले अगर हमको कन्वर्ट करने के लिए कोई भी उसको ट्रू लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम बताते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचिए पैरेलल लाइन एक्स वाई लाइन की, ये एक्स वाई लाइन का पैरेलल लाइन हम खींचे। उसके बाद कोई सा भी है, जैसे मानिए कि ये है, तो इसमें प्रोटेक्ट ये रखिए, कंपास रखिए और इसको यूं ऐसे करके खींच दीजिए, ठीक है। ये खींच दिए तो ये कहाँ, यहाँ आके कटा, इसका नाम लीजिए कुछ भी एम। इसी को आप प्रोजेक्ट कीजिए ऊपर, तो यहाँ पे आके एम डैश, तो ये इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो ये जो है ओ डैश एम डैश क्या हो गया, ये हो गया अब ट्रू लेंथ। जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये भी है, ये हो गया ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ कैसे बनाते हैं सीख लिए आप लोग, जब भी देखा जाए इसको वीडियो पॉज करके पहले ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, है नहीं। ये सब बहुत रेयरली मिलता है, सब लोग बता भी नहीं सकते हैं। तो ये हम ट्रू लेंथ निकालना बताएं आपको, चलिए हम ये बात मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। इस लाइन का ज़रूरत नहीं है, ये जो हमारा इतना है, तो हमको इसको क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है। तो हम कैसे डेवलप करेंगे, इसको डेवलप करने के लिए हम रेडियल लाइन मेथड में आपको बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, उसमें बताए थे आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको जो ट्रू है उसका जो जितना लेंथ है ये आपको मेजर कर लेना, आपको पता है कितना लेंथ है, ठीक है। और उसको ये जैसे सपोज कीजिए ये पॉइंट ओ यहाँ है, तो ओ पॉइंट हम मानिए यहाँ पे है ओ पॉइंट, ठीक है। इसमें हम हमेशा ट्रू जब लिखते हैं, ट्रू लेंथ पर डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट में ट्रू लेंथ का डेवलप करते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं लगता। जितना ओ डैश वन डैश जितना है उतना वाला हम लाइन यहाँ पे लेंगे, ठीक है, उतना वाला लाइन लेंगे, ठीक। स्टेप देखते रहिए और उसको क्या करेंगे कि कंपास के थ्रू जितना वाला लाइन है उतना वाला हम ये एक आर्क इधर, इस मतलब इसको रेडियस मानते हुए ओ
यहाँ वन है ना, चलिए वन हम लिख देते हैं, ओ वन, तो ओ वन ठीक। इसको रेडियस मानते हुए एक हमको सर्कल खींचना है। देखिए अब पूरे कंपास के साथ ये धागा लगा के खींचिएगा तो उसमें आपको ये पूरा सीधा आएगा, ठीक है। ठीक है उसमें सीधा आएगा पूरा। तो अब हम इसको कैसे, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये आर्क, हम कट कर लिए ओ वन, जितना ओ वन था और इसको रेडियस मान के हम आर्क खींच लिए, ठीक। इसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे देखिए ये जितना एज है, वन के बाद क्या है टू के बाद क्या है थ्री फोर फाइव, तो इतना ही जैसे एज है इसको हमको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करने पर खोलते हैं तो ठीक है, तो यानी किसी एक पॉइंट से हम कट करते हैं, डेवलपमेंट मतलब वही। तो अब वन है तो कितना था ये थर्टी, कितना 30 mm था, तो 30 mm कंपास पे लेना है। 30 mm का यहाँ से हमको क्या करना है, जैसे मानिए कि यहाँ आएगा 30 mm, तो ये 2 है, यहाँ आया 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 5 आया ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 ही, जैसे 1 2 3 4 5 1 वन आ जाएगा। हमको इसको अब सारा लाइन को ओ से मिला देना है, ओ से हमको मिला देना है, आपको पूरा स्केल लेके अच्छे से मिलाना है, ठीक है, तो अच्छा एकदम अच्छा सा शेप आएगा आपके पास, ठीक है। आपको ये मिला देना है, इतना समझ गए। अब आपको स्केल से क्या करना है कि जैसे देखिए ये हमारा कौन सा है, आर्क टाइप में है लेकिन ये कौन सा है, देखिए पूरा स्ट्रेट एज है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट वन से लेके स्केल रख के पूरे पॉइंट को मिलाएगा तो पूरा स्ट्रेट बन जाएगा, ऐसे टू को ऐसे थ्री मिलाएगा ऐसे बन जाएगा, थ्री और फोर को ये थ्री और लाइन है फोर मिलाएगा ऐसे बन जाएगा, फोर और फाइव को मिलाएगा तो ऐसे बन जाएगा, फाइव और वन को मिलाएगा तो ऐसे ये पूरा स्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, ये बन जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में कटिंग की बात अगर नहीं रहता और हमको डेवलपमेंट करना होता तो यही हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ पेंटागोनल पिरामिड, यही होता है डेवलपमेंट ऑफ पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या है, हमारा क्वेश्चन में ये है कि हम इसको एक सेक्शन प्लेन से कट कर रहे हैं, वो सेक्शन प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू वीपी है, ये वीपी है हमारा परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे हुआ तब ऐसे हुआ तब, ये सब परपेंडिकुलर है, ये जो कटिंग प्लेन है ये कटिंग एज है, इसको परपेंडिकुलर रखे तो ऐसे, और ये बोल रहा है हॉरिजेंटल के साथ इसका क्या पोजीशन है कटिंग प्लेन का, ये हमारा कटिंग प्लेन है तो हॉरिजेंटल के साथ है क्या, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री है, यानी जो ये हॉरिजेंटल प्लेन है इससे हमको 60 डिग्री रखना है। और ये पास कहाँ से कर रहा है, ये जो इसका मिड पॉइंट है ये पूरा 60 है, तो मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा बीच में, तो ये यहाँ बीच में से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे पास कर रहा है 60 डिग्री, तो ऐसे हमको कटिंग प्लेन चलाना है। तो अगर हम इसको ऐसे कटिंग प्लेन करते हैं, बीच में से यहाँ से कहीं पास कर रहा है, तो ये इस टाइप से कट होगा, ये इस टाइप से कटिंग प्लेन होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये कहाँ कहाँ कट किया, देखिए यहाँ पे कट किया है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्लांट एज है ये ओ डैश वन डैश, ये ओ डैश वन डैश जो स्लांट एज है यहाँ पे, ये जो है ओ डैश वन डैश, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे तो दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं कट किया है, यहाँ पे इसको ऐसे फ्रंट व्यू में नहीं कट किया है, ऐसा आपको दिख रहा है। और जैसे देखिए ये बेस तो है हमारा, बेस अगर पूरे हम इसको ऐसे करें तो ये ऐसे है, ये यहाँ से इस टाइप से ये कट किया है, तो देखिए इस टाइप से कट किया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस किस को कट किया, कहाँ कहाँ पे, ये देखिए ये वाला क्यों है, अगर इसको हमको कैसे पता चलेगा कहाँ कट किया है, इसको आप यहाँ पे ये कीजिए प्रोजेक्ट कीजिए तो आपको पता चलेगा ये यहाँ पे कट किया है, ठीक है। मानिए वन से टू को ये ए पे कट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश हम लिख देते हैं, और वन से फाइव, जो वन से फाइव है उसको ये यहाँ पे कट किया है, इसको बी लिख देते हैं। लेकिन जब हम
इसको हम आपको बताए हैं, लेकिन बी वाला पार्ट है वो हमको सिर्फ फ्रंट से दिखेगा। फ्रंट से हम इसे देख रहे हैं तो टॉप व्यू भी है, हमारा जो टॉप व्यू है अगर हम इधर से टॉप व्यू का देख रहे हैं तो हमको सिर्फ ये वाला दिखाई देगा यहाँ पे कटा है, लेकिन ये वाला पार्ट वन से फाइव के बीच वाला कटा हुआ हमको दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में रख देते हैं जो नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए दो और पाँच को कहाँ कट कर रहा है, दो और पाँच को ये यहाँ पे कट कर रहा है, दो और पाँच को यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम दे दें, ये ए बी दो को कट कर रहा है सी पे मान लेते हैं, तो सी डैश, और पाँच को कट कर रहा है डी पे तो डी डैश। ब्रैकेट में क्यों रखें, बिकॉज ये पीछे है हमको दिखाई नहीं देगा। आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा कि कैसे ये पीछे है, बिकॉज देखिए आपको सामने से दिख रहा है, हमारे पास पेंटागन रहता तो हम आपको क्लियरली बता देते। जैसे मानिए कि चलिए कोई सा भी यही है शेप है, अगर हम इसको ऐसे करके काट रहे हैं, ऐसे करके कटा है ये, तो यहाँ पे कटा हमको दिख रहा है, लेकिन ये तो पूरे पीछे पूरा कटा है ना, ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा कटा है, यहाँ तो ये भी पार्ट कटा है। ये यहाँ पे ये कौन सा है, ये कौन शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेंटागोनल है। बस आप वही इमेजिन कर लीजिए सिंपली, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो प्रिज्म है लेकिन ये पिरामिड है, वो सब आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उतना तो करना ही पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे मान लिया सी और डी डैश पे कट किया है, तीन और चार को कहाँ कट किया है, तीन को मान लेते हैं हम ई पे कट किया है और चार को एफ डैश पे कट किया है। ठीक है, यहाँ पे ठीक, और एक्सिस को तो यहाँ, एक्सिस यहाँ से तो ये पास कर ही रहा है, बीचों बीच पास कर रहा है, तो ये इस टाइप से कट किया है। अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है जो कट वाला पार्ट है उसको डेवलप करना है, यानी किस पार्ट को। अगर देखिए इसमें दो दो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एक से ही बन सकता है, कि अगर ओनली बोला होता कि डेवलपमेंट द पेंटागोनल पिरामिड तो हम ऐसे कर दिए होते, अगर सेक्शन कट करके अगर बनता बोलता है कट द सेक्शन प्लेन, कट द मतलब जो ड्रॉ द सेक्शनल व्यू ऑफ कटिंग, द सेक्शनल व्यू ड्रॉ करना होता तो हम इसको बस ये वाला हमारा हो गया सेक्शनल व्यू ड्रॉ हो गया, समझ में आया। ये हम किस क्या ड्रॉ किए हैं, सेक्शन ऑफ प्लेन, इसी को बोलते हैं सेक्शनल व्यू को। अब हमको बोलता है जो सेक्शन व्यू है जो कट हुआ है उसको डेवलप करने के लिए, तो हमको इसको डेवलप करना है तो हम इस पर ही करेंगे ना, क्योंकि इसका अगर रियल ये था डेवलपमेंट, जो अगर नहीं कट किया हुआ तो ये था, कट किए तो इसी पर कट हुआ है, तो इसको हमको डेवलपमेंट करना है इस पर। तो कैसे करेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि हम डेवलपमेंट हमेशा ट्रू शेप का करते हैं, तो हम डेवलपमेंट हमेशा हम किसा करते हैं, टू शेप का करते हैं। चलिए इंक खत्म हो गया, चलिए कोई नहीं। तो हम एक काम करते हैं कि जैसे देखिए ये वन डैश और ए डैश, वन और टू को कहाँ पे कट करता है, ये यहाँ पे कट करता है, इसी का प्रोजेक्शन कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, इसे ऐसे बनाने का जरूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए हम बना दिए रहे हैं। ठीक है, ऐसे बना भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट गए डिस्टेंस, हमको हम हमेशा डिस्टेंस देखिए ओ है यहाँ पे, ये वन डैश है, ये हमारा टू है, ट्रू लेंथ है, हम ट्रू लेंथ पे हमेशा डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो टू वन और ए, देखिए वन डैश और ए, तो हम कहाँ से डिस्टेंस लेंगे इसका, ये किसके बीच का है डिस्टेंस, ये वन डैश, तो ये वन डैश है तो ये वन यहाँ पे है, यहाँ पर वन है, और ये ए डैश है, तो इस जो जितना डिस्टेंस है इसको हम कंपास में मेजर करेंगे, इसको कंपास में से मेजर करेंगे, यूँ वन से लेके यहाँ तक रखेंगे, तो यहाँ पे कट गया, तो ये हो गया हमारे पास ए, ये क्या है, ए है हमारे पास। तो हमेशा जब ट्रू जब हम डेवलपमेंट करते हैं ट्रू लेन लिखते हैं, इसलिए हम इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। फिर हम वन टू के बीच में देख लिए, अब टू थ्री में किसको, टू को कहाँ पे कट कर रहा है, वन टू के बीच में ए पे कट हो रहा है, फिर टू पे कट हो रहा है, टू पे कहाँ कट हो रहा है, सी टू को सी पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा डिस्टेंस लें, देखिए हम अगर ये डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू लेंथ नहीं है हमारे पास, ट्रू ये है क्या, नहीं है ट्रू हमारे पास, कौन सा है, ये वाला है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, हमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इस पर, इस लाइन को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जब भी हमको डेवलपमेंट करना है तो हमेशा हमको ट्रू होना चाहिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ट्रू लेंथ होना चाहिए, ट्रू लेंथ नहीं है तो हम उसको ट्रू लेंथ पर प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ पे,
तो अब हम ये ओ डैश और सी, ओ डैश और सी डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओ से इतना गो डिस्टेंस होगा, ये कौन सा लाइन पे था, टू वाले लाइन पे है, टू वाले का दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे वन, हम इधर से बरतना स्टार्ट किए हैं कि कहाँ कहाँ कट किया है, हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको पता चला है कि ये यहाँ पे कट किया है, तो ए वाले का देख लिए इतना दूरी था। वन से टू के बीच में देखते हैं, टू पे कट किया है, तो टू पे कट किया है कहाँ, यहाँ पे सी वाले पे, तो सी का पोजीशन यहाँ पे, तो इतना डिस्टेंस लिए, और जो भी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे हम कट किए एक लाइन, कंपास में लिए यूँ ऐसे करके, जो जितना डिस्टेंस है ये देखिए, ये डिस्टेंस देखिए, अब ये डिस्टेंस हम लिए, ये डिस्टेंस लिए, ठीक। वैसा ही अब देखें थ्री पे, तो थ्री को कहाँ कट किया है, ई पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है ना थ्री को ई पे, तो क्या ये हमारा ट्रू लेंथ है क्या, ये ट्रू लेंथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रू वाले से, ट्रू लेंथ कौन सा वाला है हमारा, ओ डैश वन डैश, तो इसको हम उस पर प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट किए और ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ओ डैश ये वाला डिस्टेंस मेजर किए हम, जितना डिस्टेंस मेजर है हम वहाँ पे इतना ये डिस्टेंस यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, ये इतना ही डिस्टेंस, ठीक। उसके बाद थ्री का देख लिए, अब फोर का देखेंगे, जो फोर और थ्री का तो सेम है, थ्री का जहाँ है फोर का भी तो सेम है ना, यहीं पे सेम वैसा ही, तो इसका भी वैसा ही प्रोजेक्ट जिसका कर दे तो भी इतना ही दूरी आता, तो ये ही आएगा। फिर उसके बाद हम फाइव का देखेंगे, टू और फाइव का सेम था, तो फाइव को भी यहीं पे कट कर रहा है, जिसका नाम डी है, तो इसको प्रोजेक्ट करते तो हमें सेम, तो जितना डिस्टेंस ये होगा वो भी यहाँ पे भी इतना ही डिस्टेंस होगा, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर फाइव और सिक्स ए वन के बीच में कहाँ पे, ये बी पॉइंट बी पे, ये बी है यहाँ पे कट कर रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से बी, तो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ कट कर, ए के बाद कहाँ पे कट कर रहा था, ये टू था, तो उसका क्या नाम दिए थे हम, सी नाम दिए थे, इसका क्या नाम दिए थे, इसका नाम तीन पे ई नाम दिए थे, पाँच पे क्या नाम है, चार, ये सॉरी ये चार है ना, चार पे क्या नाम है, एफ है, इस पे क्या नाम है, डी है, और इस पे क्या नाम है, बी है, ठीक है। तो हमारे पास ये सब कटिंग पॉइंट मिल गया, इस पे कहाँ कहाँ कट करता है। अब हम यही पॉइंट्स को मिला देंगे, देखिए स्केल रखेंगे, स्ट्रेट लाइन यहाँ खींचेंगे, देखिए तो हमारे पास ये जो शेप आया, ये जो शेप आया हमारे पास, देखिए ये कौन सा शेप आया, ये यही हो गया हमारा डेवलपमेंट, ठीक है, यही हमारा डेवलपमेंट हो गया, ठीक। कैसे हम डेवलपमेंट किए हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं इसको एक और अगर कोई आदमी चाहता है कि हम डायरेक्टली इधर से बना लें, हम इसमें आपको कितना चीज़ बताए हैं, अगर ट्रू लेंथ नहीं रहे तो कैसे करते हैं, इसका पैरेलल यहाँ पे लेना है, इस लाइन के एक्स वाई लाइन के पैरेलल यहाँ पे लेना है, फिर इसका ये जितना लेंथ है उसका एक आर खींचना है, इसका परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये ट्रू होगा, ठीक है। नहीं ये है, नहीं तो हम एक दूसरा ये भी बताए थे, एक दूसरा तरीका भी बनाने का है, इसको वीडियो पहुँच करके आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, दोनों सेम ही है करीब, जैसे मानिए कि अगर ये लेंथ ओ डैश वन डैश है, हम इसी का पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींचे हम, एक जितना वाला ये लाइन है उतना वाला एक आर खींचेंगे, ठीक है, और वैसा ही जैसे इसमें वन टू थ्री फोर फाइव कट किए थे, तो ये कट किए थे ना, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव फिर वन आ जाएगा, फिर उसके बाद सारे लाइन को ऐसे मिलाएंगे, मिलाने के बाद सारे को इस सेंटर पॉइंट से मिला देंगे, सेंटर बस में ना दिए, सेम वही हो गया ना, फिर सबका डिस्टेंस ले लेके, ये वन और टू के बीच में था तो वन टू के बीच में यहाँ कट कर रहा है, टू के बीच में के यहाँ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है कहीं पे, थ्री पे यहाँ पे, फोर पे यहाँ पे, और इसमें फिर यहाँ पे, फिर इसमें यहाँ पे, तो पूरे सब पॉइंट को मिला देंगे, तो यही हो गया हमारा क्या डेवलपमेंट, सेम वही से पाया ना। जब भी आपको डेवलपमेंट करना हो तो आप एली इस ढंग से बना दीजिएगा, ये था डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम हमेशा क्वेश्चन बना बना कैसे डालते रहेंगे, चलिए आप लोग एंजॉय करते रहिए, थैंक यू।